एंड आई एम सुमित एंड आज का वीडियो है वेट लॉस अचार की रेसिपी के ऊपर एंड ये वीडियो डिले है. आई नो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी. रीजन इज मेरी मम्मा पहले हॉस्पिटलाइज हुई थी, वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गए थे घर, बट अगेन एक जस्ट इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है मेरी मदर को एंड शी इज अ किडनी पेशेंट एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हिल चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं एंड वी आर गोइंग फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट. डोनर वी हैव फ्रॉम आर फैमिली, सो हम लोग यू नो प्रोसेसिंग में है बहुत सारी चीज़ों का एंड किडनी ट्रांसप्लांट एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड प्रोसेस इज वेरी बिग एंड इसीलिए यू नो हम लोग चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए. उसी के लिए बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है एंड वीडियोज़ जो है मेरी डिले है. आने वाले 2 हफ्तों में भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो डिले ही होंगी या आएंगी भी नहीं, माइट भी. सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें उनको पता है कि मैं कभी अपोलो में होती हूँ, कभी मैं PSRI होती हूँ, कभी मैं किसी हॉस्पिटल में होती हूँ. मी माई फादर माई एंटायर फैमिली हम सब बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं फॉर किडनी ट्रांसप्लांट एंड वी आर होपिंग कि एज सून एज पॉसिबल ये चीज हो जाए एंड मम्मा जो है मेरी वो ठीक हो जाए. सो मेरी मम्मा जो है वो हम सबको देख के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड हम लोग भी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज हम लोगों को देखकर ही मेरी मदर जो है उनमें पावर है कि नहीं मुझे करना है एंड उनको ठीक होना है. सो इसलिए गाइज ये रीजन मैंने आपको बताया है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ. यूट्यूब पे नेक्स्ट वीक भी वीडियो बहुत डिले आएंगे बिकॉज यू नो जो डोनर है उनके टेस्ट एंड सारा प्रोसेस चलेगा नेक्स्ट वीक. सो गाइज प्लीज यू नो हैव पेशेंस अगर मैं ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ ऑन द टाइम एंड प्लीज आप थोड़ा शांत रहिएगा एंड प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए. नेक्स्ट इज मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था भावना का ट्रांसफॉर्मेशन ऑन माय इंस्टाग्राम. शी लॉस्ट 22 और 23 kgs. 90 से कुछ 70s पे आए थे वो, कुछ 90s के नंबर से. PCOD एंड विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है, ये रहा उनका ट्रांसफॉर्मेशन. सो गाइज इनका ट्रांसफॉर्मेशन एंड शी इज़ अ वेरी यू नो इनकी जो वेट लॉस स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है सबको, मतलब सबको. अब एक क्विक मैसेज है फॉर माई क्लाइंट जो मेरे अभी करंट मेरे बैच में है. वो लोग क्या करते हैं, कैन आई हैव दिस, कैन आई डू दिस, मेरे से ये नहीं खाया जाएगा, मैं अब ट्रैवल करूंगी, मैं क्या लूंगी. मैं भावना की जो वेट लॉस स्टोरी है वो शेयर करूंगी इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. मतलब बिना किसी एक्सक्यूज के उस बंदी ने डाइट करी है एंड भावना का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा एक यू नो मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो एक्सक्यूज करके डाइट नहीं करते हैं. स्पेशली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं बहुत दुखी हूँ. सो या अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा भावना के ट्रांसफॉर्मेशन में, भावना के ट्रांसफॉर्मेशन पे एंड अमेजिंग है, इट्स अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग. सो या नाउ मूव टू दी वीडियो टॉपिक. आज का वीडियो का जो टॉपिक है इट्स अ पिकल रेसिपी. ये जो पिकल का रेसिपी है ये मेरे को सिखाया था मेरी दादी ने एंड मेरी बड़ी मम्मा ने. ये पिकल सर्दियों में मेरे घर में हमेशा रहता है. इट्स अ जिंजर का पिकल, पिंक पिकल हम इसे बोलते हैं, पिंक अचार. इसका क्या बेनिफिट है, जिंजर जो है वो सबसे पहले इतनी बड़ी एक यू नो औषधि है हमारे हमारे पास जिसकी हेल्प से डाइजेशन, ब्लॉटिंग, वाटर रिटेंशन एंड मेटाबॉलिक रेट ये सबको ठीक करती है एंड हाई करती है मेटाबॉलिक रेट को. जिंजर अब जैसे मैं हूँ, मैं सुबह कभी कहीं किसी हॉस्पिटल में होती हूँ, शाम को किसी हॉस्पिटल में होती हूँ. सो मेरी बॉडी पे ब्लॉटिंग बहुत हो रहा है एंड वाटर रिटेंशन बहुत है. तो मैं अपनी मील के साथ मॉर्निंग में भी लंच में भी ये वाला पिकल यूज़ कर रही हूँ एंड आज मेरा फेस आपको विदाउट ब्लॉटिंग दिखेगा. इंस्टाग्राम पे मैंने कल एक स्टोरी डाली थी अपनी, उस पे मेरा फेस इतना हैवी था बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ वाटर रिटेंशन. सो गाइज ये पिकल एक्सट्रीमली गुड है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन का इशू रहता है एंड जिनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो है, जो कहते हैं कि हमारा वेट लॉस जल्दी नहीं होता, स्टक हो के गिरता, उनके लिए दिस पिकल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट. हम लोग जब डाइट करते हैं देन वी क्रेव फॉर पिकल्स, सॉसेस, चटनी. अब मार्केट का एक पिकल मैंने लिया था जिंजर का, मेरे पास पड़ा नहीं है यहाँ पे. उस पिकल में मतलब सिरका होता ही होता है, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है एंड आपका वेट गेन करेगा मार्केट का अचार या रेडीमेड कोई भी अचार होगा, ऑयल होगा. इस पिकल में ना ऑयल है ना सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखा एंड इस अचार का टेस्ट इज अमेजिंग. अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बड़ले का दलिया, किनुआ, रोटी, सब्जी, परांठा या फिर राइस, ब्राउन राइस कुछ भी लेते हो, यू कैन हैव दिस थिंग विद, यू कैन हैव, आप ले सकते हो ये वाला पिकल अपने मॉर्निंग के मील में. आप लंच में भी ले सकते हो अगर आप वेट मेंटेनेंस की डाइट पे हो, मतलब आप वेट मेंटेन कर रहे हो अपना, आप तब भी लंच में ये वाला पिकल यूज़ कर सकते हो. बट
डिनर में आप ये वाला पिकल यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. नाउ सेकंड इज पीरियड्स में आप ये वाला पिकल यूज नहीं करेंगे बिकॉज पीरियड्स में कोई भी सिट्रस चीज नहीं जानी चाहिए, खट्टी चीज नहीं जानी चाहिए. नेक्स्ट इज जिन जिन लोगों को टॉन्सिल्स का इश्यू रहता है, जिनका गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है सर्दियों में, थोड़ा सा कुछ खट्टा गया तो एकदम छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उनके लिए भी ये वाला पिकल नहीं है बिकॉज ये खट्टा हो जाएगा, दो दिन के स्टोरेज के बाद ये खट्टा होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज जिन लोगों को फीवर बहुत ज्यादा जल्दी चढ़ जाता है, कोल्ड जैसी डिटेक्ट करता है, गाइज उनके लिए भी दिस पिकल इज बिग नो. थायराइड वाले ले सकते हैं, पीसीओडी वाले ले सकते हैं, वाइटामिन D3 डेफिशिएंसी वाले ले सकते हैं, जिनको गठिया का प्रॉब्लम रहता है वो ये प्लीज मत लीजिएगा, सिट्रस इसमें खट्टा बहुत ज्यादा है और आपको दिक्कत आ जाएगी. सो या दैट्स इट, नाउ लेट्स चेक आउट दी रेसिपी. सो गाइज फर्स्ट स्टेप फॉर पिकल इज, यहाँ पे मैंने लिए है अदरक, इसको मैंने पील किया है एंड उसको स्लाइस किया है बहुत थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पील करा था. एंड ये हम लेंगे अदरक, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, एक पूरा बाउल हम अदरक इसमें लेंगे. ओके जी, यहाँ पे मेरे पास है 4 लेमन का रस, 4 नींबू का रस, इसको मैं डाल दूंगी यहाँ पर. ओके नेक्स्ट इज गाइस, अब मैं डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, ओके. अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. आप देख रहे होंगे कि ये पिंकिश कलर में आ चुका है और ये पूरा पिंक कलर का अचार बनेगा. ओके सो अब हम इसको स्टोर करेंगे एक ग्लास के कंटेनर में. गाइस सो अब मेरे पास है यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये अचार. और अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो जिंजर है ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी. सो गाइस ये देखिए ये अचार इस तरीके से दिखेगा पिंक कलर का. अब मैं इसको कवर कर दूंगी एंड इसको फ्रिज में स्टोर करूंगी फॉर 2 डेज एंड 2 दिन के बाद ये एब्सोल्युटली रेडी है. आप इसको स्टोर करके 2 हफ्ते के लिए बनाकर रख सकते हैं. वेलकम बैक गाइस, नाउ अब बात करते हैं ये अचार वेट लॉस कितना देगा. अगर आप इसको यू नो अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हो, अगर आपका डेली बेसिस पे वेट गिर रहा है, आप किसी एक पर्टिकुलर वेट लॉस जर्नी पे हो और आपने इसको ऐड करा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, वाटर जो फ्लूइड है बॉडी से बाहर जाएगा, आपका वेट लॉस जो है वो इस अचार से नहीं होगा. बट इस अचार ये वाला जो चीज़ है विच इज पिंक पिकल, ये आपके वेट लॉस जर्नी को एक पुश करेगा. जहां आपका वेट अगले दिन 400 ग्राम गिर रहा है या 300 ग्राम गिर रहा है, वहां पे 600-700 ग्राम गिरेगा. सो गाइज ये पिकल आपकी जर्नी को एक पुश देता है. वेट लॉस पूरा इससे नहीं होगा कि आप कुछ भी खा रहे हो आप इसको ऐड कर रहे हो ये वेट लॉस करेगा. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो गाइज ये एक पुश देगा आपको आपके वेट लॉस जर्नी में. सो या गिव इट अ ट्राई, शेयर योर फीडबैक एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले कर करके ही आऊंगी. सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज. सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो कि होगा भावना का वेट लॉस जर्नी, बींग अ मदर, बींग अ बैंक मैनेजर, बींग अ हाउस लाइक वाइफ एंड बहुत ही तरीके से उन्होंने अपना डाइट करा है एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो. आयुषी का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिस्कस करा था कि इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं पोस्ट करूंगी 1-2 महीने के बाद, अभी नहीं है, अभी नहीं. सो या दैट्स इट, सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून गाइज इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. सो टिल द टाइम प्लीज टेक केयर एंड प्लीज थोड़ा सा ब्लेसिंग्स मुझे दीजिएगा. ये थोड़ा सा क्रिटिकल एंड टफ टाइम है फॉर ऑल ऑफ अस, हमारी पूरी फैमिली के लिए. सो या दैट्स इट, आई विल ट्राई कि जिस दिन सब कुछ सेटल डाउन हो गया, ऑपरेशन का डेट होगा, तो आई मेक अ व्लॉग एंड या थोड़ा बहुत देखते आगे कैसे चलती है चीज़ें. सो फाइनली टेक केयर जी, बाय.